हाय गाइस, मैं मोहम्मद आकिब एक नई वीडियो के साथ, और आज मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा कि आप कोचेस साउंड अपने MSTS में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं जाऊंगा जहां मैंने अपनी साउंड की फाइल रखी होगी, यानी मैं अपनी एक अलग फोल्डर में साउंड और ये सारे फाइल्स रखता हूँ कि अगर विंडो होने का चांस हो तो मैं सब कुछ, हर चीज़ को रिकवर कर सकूँ। तो हमारे पास है DC LHB कोचेस साउंड और वर्जन 4। तो मैं DC LHB कोच साउंड या फिर DC कोचेस साउंड वर्जन 4 को इंस्टॉल करूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं DC कोचेस साउंड वर्जन 4 को इंस्टॉल कर लेता हूँ। अपने इसको डेस्कटॉप में करते हैं एक्सट्रैक्ट, और ये आ गया है, ये इसकी पिक है। ये सारे इसके साउंड हैं, इसको कट कर लें, सी में जाएं, और जो रूट में आप इंस्टॉल करना चाहेंगे उसमें ये इंस्टॉल कर दें। यानी मैं इंडियन रेल वर्जन 2 में इंस्टॉल करूँगा इसको साउंड में। और ये हमारा यहाँ आ चुका है, को थोड़ा फोल्डर को बड़ा कर लेते हैं। अब पैसेंजर आउट SMS को हम रीनेम करते हैं पहले, फिर इसी को, फिर इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करते हैं, और इसकी जो टी टाइप है ये फाइल, इसको ओपन करेंगे नोटपैड से। इसमें हमें करना ये है कि हमें इन सब के साउंड चेंज करना है। डिफ़ॉल्ट में तो आप ये वैसे ही ये रखेंगे जो भी हमने इसको कॉपी करा है। कुछ लोग करते हैं कि सब साउंड में डाल देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि हमारा चल नहीं रहा, तो ये आपको करना ज़रूरी है। कंट्री सपोर्ट में भी यही डाल देता हूँ, मैं डिफॉल्ट में तो डाल ही दिया था, पर फिर भी चेंज कर देता हूँ। कंट्री ब्रिज का भी मैं चेंज कर देता हूँ। हर बंदे को अपना एक अलग से फोल्डर बनाना चाहिए जिसमें आप जो फाइल इंस्टॉल करें उसको रखें, ताकि विंडो उड़े तो उसी चीज़ को आप रीस्टोर कर लें, दोबारा से उसको रीयूज कर लें। इस तरीके से अपना ये साइकिल बिन बनाकर रखें, एक अलग से फोल्डर। अंडर ब्रिज को भी चेंज कर ही देते हैं। और स्टील ब्रिज को भी, वो सपोर्ट इसको सारों को ही कर देते हैं, नहीं बस इतने चाहिए। तो ये हो गई है आपकी कोचेस की जो है कोचेस साउंड, आपका ये इंस्टॉल हो चुका है बिल्कुल। और ये आप अपने ओपन रेंज में या ट्रेन सिमुलेटर में रूट में जब आप चलाएंगे अपनी ट्रेन को, तो उसमें ये आप साउंड एंजॉय करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।